राजा शेर की कहानी। एक जंगली कहानी। जंगल की गहराइयों में एक राजा शेर था, जिसका नाम राजकुमार वीर था। राजकुमार वीर जंगल के सभी जानवर के लिए आदर्श था। उसकी शक्ति और साहस ने उसे जंगल का राजा बना दिया था। एक दिन राजकुमार वीर ने सुना कि जंगल की ओर एक अत्यंत खतरनाक शेर आ रहा है। इस शेर को कालिया कहा जाता था। उसकी चालाकी और दुष्टता से जंगल के सारे जानवर डरते थे। राजकुमार वीर ने जंगल के सभी जानवरों को एकत्र करने का निर्णय लिया और एक बड़ी बैठक का आयोजन किया। सभी जानवर वहां पहुंचे और राजकुमार वीर ने उन्हें कहा, हमें साथ मिलकर कालिया को हराना होगा। जंगल के सभी जानवरों ने मिलकर एक योजना बनाई और राजकुमार वीर ने उनका नेतृत्व किया। उन्होंने सभी को योजना के अनुसार स्थानों पर रखा, बहुत धैर्य और साहस के साथ कालिया का सामना किया। कालिया बहुत ही भयानक था, लेकिन राजकुमार वीर ने अपनी चालाकी और वीरता से उसका मुकाबला किया। जंगल के सभी जानवरों ने भी विभिन्न दिशाओं से हमला किया और सब ने मिलकर कालिया को हरा दिया। राजकुमार वीर ने कालिया से किसी भी जानवर को नुकसान ना पहुंचाने का आश्वासन लिया और उससे एक सुरक्षित स्थान पर रहने का आदेश दिया। जंगल में फिर से शांति और खुशी बस गई।